पाँच बजे करीब यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन इतनी सांस चढ़ गई थी, मेरे को थोड़ी बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो बोलते हुए अभी आप देख भी रहे हैं ऐसे बोलते हुए सांस चढ़ जाता है। लेकिन कल इतना जान निकल गई थी मेरी बॉडी में से, ऑक्सीजन बिल्कुल डैम हो गया था और बीपी हाई हो गया था, सांस फूलने लग गई थी। तो फिर मैंने किसी ऑफिसर से बोला कि मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने बोला, मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं सलूट जरूर करता था, जैसे आते हुए सलूट करता था, तो सब लोग सलूट एकदम अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते थे मेरा सलूट को। और जब जैसे मैंने बोला कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेरे को उठा करके तुरंत मुझे उठाया और एकदम मुझे फैकल्टी में लेके आए। और जैसे फैकल्टी में आए, मैंने बीपी चेक किया, उसके बाद फिर मैं जैसे बीपी चेक किया तो मेरा बीपी हाई था। जैसे बीपी हाई इनको पता चला, तो सभी सारे डॉक्टर, पांच छह सारे डॉक्टर थे, पूरी फैकल्टी ने फटाफट मुझे ईसीजी लिया, फिर ऑक्सीजन दिया और बहुत अच्छी सी फैसिलिटी दी। इतनी अच्छी फैसिलिटी मैंने जिंदगी में, एक जो फाइव स्टार टाइप के जो हॉस्पिटल हैं, मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं 47 ईयर्स का हूँ, मैंने ऐसी फैसिलिटी और ऐसी कॉपरेशन मैंने जिंदगी में, जब हम फुल पैसे भी देते हैं ना, वहाँ भी नहीं मिलती। और यहाँ पर खाना और गर्म पानी, गर्म दूध, कैसे कैसे वहाँ पर मेरे बच्चों को कोऑपरेट किया, मेरे जितने भी मेरी वाइफ को कोऑपरेट किया, साथ में उन्होंने बैठाया, सांत्वना दी। मेरी जिंदगी में ऐसे, मैं इतना जरूर बोलूंगा, शायद आप ये सोचेंगे कि मैं भावुक था, मैं बोल रहा हूँ, मुझे भगवान नजर आए, शिवलिंग के दर्शन नहीं हुए, मुझे इन लोगों के ऐसे जीते जागते भगवान की तरह मुझे इनके दर्शन हो गए। और मेरी तरह बहुत सारे लोग आए थे, मैंने ये देखा कि मुझे नहीं, सबको ये कोऑपरेट करते हैं, ऐसे ही कोऑपरेट करते हैं। कैसे बैठा उसी टाइम इन्होंने मेरे को दो बार ECG भी लिया, तीन चार बार मेरे को इंजेक्शन दिए, तीन चार बार मेरे को इन्होंने ऑक्सीजन भी लगाया, और रात को मेरे को उन्होंने अपने यहीं पर एकोमोडेशन दिया, मेरी वाइफ को दिया, मेरे बच्चों को दिया। मेरे बच्चे बताएंगे क्या बेटे आपको एक्सपीरियंस करा। नॉट जस्ट द पेशेंट, आई वुड से यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सबने सिर्फ पेशेंट का ही नहीं बल्कि हमारा भी ख्याल रखा। बिकॉज एज अ डॉटर एंड अ वाइफ, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए ऐसी सिचुएशन देखना, वेयर योर फादर इज नॉट इन द राइट कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, तो हम लोग बहुत डर